और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, तबलीगी जमात को लेकर मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन का ट्वीट आया है। हरियाणा से शुरू हुआ था जमात, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 150 देशों के 12 से 80 मिलियन मुस्लिम ने अटेंड किया था ये जमात। इनके आतंकियों से अप्रत्यक्ष संबंध है, ये बड़ा बयान है तस्लीमा नसरीन का। मशहूर लेखिका है और कई कट्टरपंथी संगठन विरोध भी करते हैं तस्लीमा नसरीन का। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान में बैन है ये संगठन। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। ललित, बहुत बड़ा बयान तस्लीमा नसरीन का, क्या कहा उन्होंने अपने ट्वीट में? देखिए, तस्लीमा नसरीन ने इस संगठन के बारे में अपनी जानकारी को विस्तार से रखा है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये संगठन जो है वो हरियाणा के मेवात से शुरू हुआ था और आज की डेट में इसमें तकरीबन 15 से 80 मिलियन तक लोग जो है इसके सदस्य हैं और इससे जुड़े हुए हैं। और साथ ही यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान जैसे देशों में ये बैन है। इस संगठन का जो है एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर आतंकियों से संगठन है, आतंकियों से नाता है, तो इस तरह के आरोप तस्लीमा नसरीन ने लगाए हैं। और निश्चित तौर पर ये अपने आप में गंभीर आरोप है कि तस्लीमा नसरीन ने जिस तरह से कहा है, तस्लीमा नसरीन एक मशहूर मुस्लिम लेखिका है जो अब तक जो है मुस्लिम रूढ़िवादिताओं पर लिखती हुई आई हैं और इसी की वजह से वो अक्सर ही मुस्लिम संगठनों के निशाने पर रहती हैं। लेकिन आज उन्होंने जो बात कही है वो निश्चित तौर पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अहम बात है कि जिस तरह से वो कह रही हैं इस एंगल पर। हालांकि अभी तक तो कोई सरकारी एजेंसी का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर ये अपने आप में बड़ी जानकारी है। और मुझे लगता है कि जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, जो एजेंसियां जैसे क्राइम ब्रांच दिल्ली की वो जांच कर रही है इस मामले में, वो निश्चित तौर पर अपने स्तर पर जांच करेगी और हो सकता है कि उसे किसी तरह का क्लू मिले या ना मिले। लेकिन फिलहाल जो है तस्लीमा नसरीन का जो ये ट्वीट है ये अपने आप में बेहद गंभीर है। बिल्कुल, अपने आप में बेहद गंभीर है। 12 से 80 मिलियन मुसलमानों ने, जो कि 150 अलग अलग देशों के हैं, उन्होंने जमात को अटेंड किया था और हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी। ये जो है ये बेस बताता है कि एक साजिश के तहत भी हो सकता है ये सब शुरू हुआ हो। देखिए रंजना, इस पर मुझे लगता है कि किसी भी तरह के कयास लगाने से थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और वो सारे स्तर पर काम हो रहा है। और अब इसमें कयास लगाने से बेहतर ये होगा कि हम जो तथ्यात्मक चीजें सामने आ रही हैं उस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सबसे बेहतर ये है कि जिस तरह से ये लापरवाही बरती गई कि 13 मार्च के दिल्ली सरकार के आदेश के बावजूद लगातार वहां पर भीड़ को इकट्ठे रखा गया, ये अपने आप में बेहद अमानवीय है और एक तरह से गैर जिम्मेदाराना है। इसको लेकर जो है उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों 13 मार्च के आदेश के बाद लगातार वहां पर भीड़ बनी हुई थी। वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने 22 तारीख जो जनता कर्फ्यू था उसके बाद लगातार मुलाकातों का दौर शुरू किया कि कई लोग फंस गए हैं। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ट्रैकिंग सिस्टम में भी खामी नजर आती है, क्योंकि अगर विदेश से लोग आए थे जमात को अटेंड करने के लिए तो उन्हें ट्रैक क्यों नहीं किया जा सका? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये अपने आप में सवाल सभी चीजों पर है। ये सवाल पुलिस पर भी है, ये सवाल हमारे LIU सिस्टम पर भी है, ये सवाल अलग अलग एजेंसियों पर है जो कि विदेशी नागरिकों पर नजर रखती है, उन पर भी नजर नहीं रखी गई। साथ ही हालांकि कल जो निजामुद्दीन थाने के SHO का जो वीडियो निकलकर सामने आया था उसमें वो समझाते हुए नजर आ रहे थे कि आप लोग तुरंत इस मरकज को खाली कीजिए अन्यथा उन्हें सख्त लीगल एक्शन लेना होगा। तो ये अपने आप में ये बता रहा है कि सरकारी स्तर पर प्रयास तो चल रहे थे लेकिन वहां पर किसी भी तरह का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है कि कोई भी अपने स्तर पर, क्योंकि जिस तरह से SHO ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको खाली करिए और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से थोड़ा इसमें हिला हवाली हुई है, जिम्मेदारी तो रंजना तय होनी ही चाहिए कि आखिर सरकार के स्तर पर कौन और किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी तो बनती है, जवाबदेही तो बनती है। अगर सभी इस तरह से एक दूसरे पर पल्ला झाड़ेंगे तो सही तथ्य कैसे निकलकर सामने आएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।